गुड मॉर्निंग, इट इज़ डिसम्बर 17th और आज मैं सुबह जब उठी तो मेरा गला काम नहीं कर रहा था, मतलब आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो खिच खिच हो रही थी मेरे गले में। तो आई थॉट बोलने से अच्छा है कि मैं बस रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूँ जो भी मैं कर रही हूँ। तो मैंने बस एक यूट्यूब वीडियो लगाई इंटीरियर डिज़ाइन की कुछ, तो मुझे बड़ा पसंद है होम मेकओवर्स वगैरह देखना और अपना रूम सेट करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो, तो ये जो टेबल पे सामान रखा है ना, ये कल से रखा है, मतलब जब से मैं आई हूँ उसके अगले दिन से मैंने रख दिया है। 15, 16 और आज हो गई 17, 2 दिन से ये सामान यही है। और ये देखो मेरा हेयर फॉल कितना हो रहा है यार, ये सब तो मुझे 74 रुपये से मिला है। और असली में सोचो जब मैं कॉम्ब करती हूँ तो कितना होता होगा। ठीक है, तो ये सारा सामान रखा था तभी से, तो आज फाइनली मैंने सोचा नहीं यार, बहुत मतलब मूड ख़राब हो जाता है सुबह उठते ही ऐसे देख के सब क्लटर्ड सा, तो मैंने रूम सेट किया सबसे पहले तो उठ के। और अब तक तो पता लग ही गया होगा कि मैं ब्रश करते करते खाली नहीं रहना चाहती, तो वो ब्रश को मुंह में ही रखे 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 1 घंटा लगा देती हूँ मैं ब्रश करने में। अगर मम्मी आप अगर देख रहे हो ना तो देख लो, इसलिए लगता है मेरे को ब्रश करने में 1 घंटा। पता है अभी मैं देख रही हूँ ना, अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ लाइव अभी करंटली, तो मुझे लग रहा है यार दिन तो सही सही सा स्टार्ट हुआ था, फिर अभी रात को जाते जाते देखना मेरे मूड की क्या बैंड बजी है आज। तो सुबह वही नॉर्मल रूटीन ही सब मैंने किया था, सुबह उठी थी बस, हाँ थोड़ा सा गला ख़राब था, पर फिर रूम सेट किया जो कि एक बहुत अच्छी वाइब देता है मेरे को, उसके बाद सफाई की थी। हाँ, वर्कआउट करने का मैंने बहुत मन से डिसाइड किया था कि मैं वर्कआउट करूँगी, बट वो नहीं हो पाया। बस उसी की वजह से मुझे लग रहा है मैंने अपना मूड ही सड़ा लिया और पूरा दिन ही ऐसे गया। फिर ऑल्सो आज हमारे यहाँ के ठंड चेक करो यार, कितनी ठंड थी। ये तो तब की बात है जब 8 या कुछ बज गए थे भाई, 8, 8:30 की सुबह सुबह जब मैं उठी थी ना, इतना सुबह भी नहीं उठी थी, बट काफ़ी ठंड थी आज तो। यार अभी 9:15 हो चुके हैं और मैं पिछले 12-13 मिनट से यही सोचने में टाइम वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे वर्कआउट करना चाहिए, करा तो मैं सफाई वगैरह नहीं कर पाऊँगी, नहा नहीं पाऊँगी, ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा और मैं तब से अपना टाइम ही वेस्ट करे जा रही हूँ। ये तुम्हारे साथ भी होता है क्या? आई एम श्योर होता होगा क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं ऐसी। कुछ काम नहीं आता भाई, वीडियोस देख लो पर कुछ काम नहीं आता। अब भी कर सकती हूँ मैं वर्कआउट, पर नहीं, मैं खड़ी हूँ आराम से। हाँ वर्कआउट कर ले यार, मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है कि पहले 1-2 दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है खुद को, फिर उसके बाद हैबिट डलती है, तो आज मुझे पुश ही करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। यार बिल्कुल दिन नहीं बचे यार, 17 तारीख हो गई आज, 2 हफ्ते भी नहीं है, मुश्किल से 2 हफ्ते हैं। मैं वर्कआउट कर रही हूँ, ओके बाय। और हाँ, ये ना कोई लूसी, आगे का नाम नहीं पढ़ना आ रहा, दिस इज द वर्कआउट जो कि मैं करना चाह रही हूँ, बिकॉज इट्स जस्ट 7 मिनट्स ना, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आई विल स्टार्ट इट राइट नाउ। ऑल्सो कपड़े मैंने वर्कआउट अप्रोप्रिएट नहीं पहने, तो क्या हुआ, मैं कैमरा थोड़ा सा दूर रख दूंगी ना। ठीक है, पूरा पक्का संकल्प कर चुकी थी मैं कि वर्कआउट करूँगी और फिर मुझे अचानक याद आ गया कि कल जो मैंने फुटेज ली थी उसमें वाहियात मतलब फुटेज आई है तुम्हारी, तो बेटा वो नहीं चलेगी। और फिर मुझे देखो क्या वहम हुआ कि भाई मान लो आज मैं वर्कआउट कर लूँ है और फिर मेरे थोड़े से इंचेस कम हो जाए, मतलब 1 दिन में यार ये लड़की है कि क्या पजामा है। फिर मैंने वर्कआउट नहीं किया जस्ट टू गेट दीज मेजरमेंट्स, और इस मेजरमेंट में मुश्किल से कोई आम इंसान होता तो 2 मिनट लगाता, मुझे 15-20 मिनट लग गए यार, मैं पागल हूँ एक नंबर की। यार कल के वीडियो में मैंने दिखाया था ना कि मैं वो मेजरमेंट्स ले रही हूँ इंच टेप से, वो ठीक से नहीं आए थे क्योंकि मैंने ठीक से कपड़े नहीं पहने हुए थे, तो अभी मैंने वो लेना स्टार्ट किया। मैंने सोचा वर्कआउट से पहले ले लेती हूँ एक बार, बिकॉज हु नोज़ मैं थोड़ी सी पतली हो जाऊँ, दिमाग ना है नहीं मेरे में, तो अभी सारा टाइम मैं वेस्ट कर चुकी हूँ। अभी 9:40 हो चुके हैं, 9:34 एक्चुअली, तो अब मैं नीचे ही जा रही हूँ, कोई वर्कआउट नहीं हो पाया, अब देखती हूँ बाय। फिर मैं नीचे गई
मैंने देखा मम्मी तो कपड़े धो रही हैं, फिर वो बेचारी खुद ही आने वाली थी छत पे, पर मैंने कहा छोड़ो यार मैं ही सुखाऊंगी, वैसे भी आज मेरा कुछ हो तो रहा नहीं था, तो मैंने कहा अपना नहीं तो कम से कम किसी और का तो दिन बना लो। तो फिर मैं कपड़े सुखाने आ गई, क्योंकि भाई अब वही है बड़े लोगों से नहीं चला जाता इतना, तो फिर चला मुझसे भी नहीं जाता, ये भी बात है वैसे, पर वही कि मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प, वैसे मैं कर नहीं पाती जितना मैं दिखा देती हूँ, मुझे लगता है कि क्या ठीक है आज मैं बोल ही नहीं पा रही, मुझे लग रहा है लकवाई मार जाएगा आज तो मेरे को। एक तो ठंड इतनी हो रही है हमारे घर पे, हमारे यहाँ पे, बस तुम समझ जाओ। फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई, मैंने कपड़े वपड़े सुखाए, और मेरी उंगलियाँ इतनी, ये है ना उंगलियाँ ही देख रही थी मैं अपनी, की जाम हो गई, इतनी ठंड थी भाई। फिर उसके बाद चिमटी विमटी लगाई वही सब, और वो चिड़िया वाला पानी, वो हाँ एक चीज़ है जो मुझे पसंद है करना सुबह सुबह, तो वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि दिखता है ना कि देखो तुम्हारी वजह से किसी और को खुशी मिल रही है, कोई और पानी पी पा रहा है, तो वो सब। तो फिर कपड़े सुखाए, फिर मैं नीचे गई, फिर नीचे गई तो हाँ तब तक सफाई हो चुकी थी, फिर मैं नीचे गई तो मम्मी देखो डस्टिंग में लगी हुई है इस टाइम, खाली नहीं बैठती मेरी मम्मी एक सेकेंड को भी, ये जिन है जिन, इनको बस काम देते जाओ है। फिर उसके बाद मेरी कॉल आ गई एक उसी टाइम, मैं हेल्प करने ही वाली थी उतने में तो कॉल ही आ गई, फिर मैंने सब कुछ हटाया, लैपटॉप चलाया, फिर उसके बाद कॉल वॉल पूरी करके फिर मैंने सब्जी काट दी थोड़ी बहुत, बीन्स काटी थी, बाकी सब तो मम्मी काट ही चुकी थी, और बीन्स ही आज बनी नहीं तो अब कल बनेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद मम्मी अपने इधर उधर के काम सब करती रही, फिर मम्मी नहा के आ गई, फिर मैंने ना हाँ यहाँ पे YouTube वीडियो भी चालू कर रखी थी। पता है एक दिक्कत क्या है, तुम भी ऐसे करते हो क्या कि जैसे एक काम है उसके साथ में वीडियो चला लोगे, और वो वीडियो डिसाइड करने में 1 घंटा लगा देती हूँ मैं, और फिर देख देख के धीरे धीरे करती हूँ सब काम, तो लेट। अभी अभी ना मैं नहा के आई हूँ, आज भी फिर से 1 ही बज गया, 1:10 हो रहे हैं अभी, पता नहीं आज बड़ा सैड सैड सा मूड है, मतलब कुछ भी करने का नहीं मन कर रहा। कल सोचा था ना कि तेल वगैरह कुछ तो लगा लूँगी, तो कल रात को देखा, मतलब जब मैं ऊपर आ गई सोने तो देखा कि तेल की बोतल तो नीचे हैं दोनों, तो फिर ज़्यादा रात हो गई थी, 11 के आसपास बज गए थे, फिर मैंने सोचा अब तो क्या सबको डिस्टर्ब करूँ, फिर नहीं लगाया, फिर मैंने सोचा था सुबह उठ के लगा लूँगी, सुबह एक तो आजकल सुबह नहीं उठती मैं ज़्यादा जल्दी, तो ऐसा लगता है पूरा दिन पता नहीं कहाँ ही निकल गया। फिर सुबह सुबह यार ऑफिस भी देखना होता है थोड़ा बहुत, मम्मी की भी हेल्प कर देती हूँ, तो पता नहीं टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, और आज बहुत बुरा सा लग रहा है इस बारे में कि क्यों नहीं हो पा रहा, बड़े मुश्किल है यार, मतलब सल्यूट है यार उन लोगों को जो घर भी संभाल लेते हैं, अपने बच्चे भी संभाल लेते हैं, अपना ऑफिस भी संभाल लेते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं। यहाँ ना तो खुद का ही ध्यान रखा जाता, ना तो अपनी हेल्थ का यानी फिगर का ध्यान रखा जा रहा, ना अपनी स्किन का ध्यान रखा जा रहा है, और ऑफिस भी मतलब कब से जॉब स्विच करने के लिए पढ़ने का सोच रही हूँ वो भी नहीं हो रहा, काफी रुक सी गई है जिंदगी ऐसा लग रहा है आज तो। पर चलो ठीक है अब जो भी है, अब जाके खाना वाना खाऊंगी, वही 1:30 बज गया, सुबह नाश्ते में आज दूध और गुड़ लिया था, थैंक गॉड आज ओवर ईटिंग नहीं की, वरना रोना ही आ जाता, इतना ऐसा सा दिन जा रहा है। कभी कभी ना कुछ होता नहीं है, लाइक कुछ भी हुआ नहीं है सुबह से, कुछ भी अलग नहीं हुआ मेरे साथ, रोज़ जैसा दिन होता है वैसे ही हो रहा है, बट फिर भी बहुत लो सा फील नहीं होता कभी कभी, वो वाला दिन है आज, पर आई होप एंड तक कुछ तो अच्छा हो जाए इस दिन में। सुबह वर्कआउट, पता है डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत सारी थी, कल रात को मैंने सोचा था आज वर्कआउट करूँगी सुबह उठ के, वो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं टाइम बहुत वेस्ट करती हूँ ना, लाइक वीडियो ढूँढ रही हूँ तो वीडियो ही ढूँढे जा रही हूँ,
फिर मैंने सोचा था बहुत ज़्यादा ऐसे डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प सी हो रही है, तो कुछ ऑयलिंग वगैरह कर लूँगी, वो भी नहीं हो पाई सुबह। फिर क्या सोचा था, हाँ एक तो ना मैं खुश तब रह पाती हूँ जब मैं कुछ ना कुछ क्राफ्ट करती रहती हूँ, तो मैं बड़ी खुश रहती हूँ, अपना लगी रहती हूँ ना मैं। अब आजकल पता नहीं क्या हो रहा। चलो ठीक है, अभी खाना वाना खाते, चलो बाय। तो फिर मैंने किया लंच, दाल सब्जी करेला रोटी वो सब। अच्छी भली दो रोटी खा ली थी मैंने, तीसरी रोटी खा सकती थी, पर मम्मी ने पूछा कि आलू के पराठे का वो बचा हुआ है स्टफिंग, तो वो बना दूँ। मैंने कहा हाँ हाँ बना दो, बिना सोचे हाँ कर देती हूँ मैं खाने को। फिर पता, दो आलू के पराठे फालतू खा लिए फिर मैंने खाने के बाद। वो तो ये अच्छा हुआ कि मोनी साथ में आ गया, तो बस आज पूरे दिन की अच्छी बात यही थी कि मोनी आ गया। आज पता मैंने कमेंट्स तक के रिप्लाई नहीं किए सुबह से, और मेरे को दिख रहा है नोटिफिकेशंस आ रही है बट नहीं कर रही। आई नो तुम लोग देखो, मुझे ना लोगों ने बोला है कि ना मैं बहुत सेल्फ, क्या बोलते हैं उसे, सेल्फ क्रिटिक वो बहुत करती हूँ, कि मतलब खुद की बुराई खुद से ही करना। मुझे पता है ये आदत, पर अब ऐसा सड़ा सा मूड हो जाता है ना, तो पता नहीं फिर कुछ नहीं ये बातें याद आती, फिर तो बस मूड की बैंड ही बजती रहती है। और अभी ये अभी शाम की फुटेज है, मैंने कैमरा तो लगाया था कुछ और बात करने के लिए, जैसे ही मैं खड़ी हुई मेरे कमर की नस हो गई, फिर थोड़ा बहुत जो भी हिला डुला सकती थी ये किया। अभी 7:30 बज रहे हैं रात के, और अभी भी मैं ऑफिस का ही काम कर रही हूँ, और मुझे नहीं लगता आज मैं 9 बजे तक फ्री होंगी, और उसके बाद व्लॉग करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज़ मैं जस्ट खाऊंगी, खाने का भी श्योर नहीं है, नॉट बिकॉज़ डाइटिंग वाली बात, बट आज दोपहर में ज़्यादा हैवी लंच हो गया। मैंने रोटी के बाद वो कल रात के आलू के पराठे का बैटर कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, पिट्ठी जो होती है वो बची हुई थी, तो वो भी खा लिए थे आलू के पराठे खाने के बाद। अबे यार एरर्स आ गए, चलो बाय। अपडेट, अभी 9 बज चुके हैं, मेरा काम अभी भी चल रहा है, नींद आ रही है मुझे बहुत तेज। ऑल्सो खिचड़ी बनी है, बिकॉज़ किसी को भी खाने का मन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है पता नहीं क्या। तो मम्मी ने फिर ऊपर भी भिजवाई दी, मैं तब से पता है नीचे भी नहीं गई हूँ, पर पेरेंट्स यार बड़ी चिंता करते हैं। काफ़ी देर हो गई इसको, शायद आधे घंटे से ज़्यादा, पर मन ही नहीं कर रहा मेरा खाने का, मुझे सोने का मन कर रहा है बस। जब ऐसे लेट तक ऑफिस चलता है ना, बिल्कुल सब भूख भूख सब चली जाती है, बस मन करता है लेट जाऊं। मेरी कमर की नस हो जाती है पता है, बैठे बैठे लगातार, तो इसलिए अब फिर मैं बेड वगैरह पे बैठ रही हूँ, तो बार बार लेट रही हूँ, बार बार बैठ रही हूँ, पर यार काम नहीं होके दे रहा एक तो। चलो ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, अभी कल देखेंगे जो होगा। सॉरी मूड तुम्हारा भी सड़ गया होगा मेरे को ऐसे देख के, बट यही है जो है रियलिटी। चलो बाय।